नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपने साथ नायका हॉट पिंक सेल का रिकमेंडेशन वीडियो लेके। ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें ऐड होने वाला है गिव अवे। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि मैं हर महीने गिव अवे करती हूँ इंस्टाग्राम पे। बट इस बार मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज आप यूट्यूब पे भी गिव अवे करिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट। रूल्स बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। सिंपली आपको मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना है, एंड आपको कमेंट में बताना है इस पूरे एंटायर वीडियो में मैंने नायका के जो हॉल वीडियो में जो प्रोडक्ट्स बताए हैं उनमें से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर रही हूँ जहाँ पे मैं गिव अवे के प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो क्या होने वाले हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगी आपको, फोटोज दिखा दूंगी इंडिविजुअली कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं। आप चाहो तो वहाँ पे भी स्किप कर सकते हो, और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो जो कि मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप देखो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे हेड टू टो। ओके, तो मैं हेयर केयर में सबसे पहले बात करती हूँ। प्रोडक्ट है ये शैम्पू। अगर आपने मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो किया तो आपको पता होगा ये शैम्पू के बारे में मैंने फुल ऑन वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में लिंक कर देती हूँ, आप वहाँ से देख लेना। तो ये प्रोडक्ट मेरा मतलब 7-8 साल से हम कंटिन्यूसली यूजिंग दिस, क्योंकि मैंने शायद 8 साल पहले अपना पहला स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराया था। तब पता नहीं मुझे किस वहाँ पे पार्लर में, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम मेट्रिक्स ओनली पार्लर, तो उन्होंने मुझे ये शैम्पू सजेस्ट किया था। एंड फ्रॉम दैट टाइम देयर इज नो वे लुकिंग बैक, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत सूट करता है, बहुत ज़्यादा। ये आपके अगर ट्रीटेड हेयर हैं उनको मैनेजेबल रखता है, स्मूथ रखने के लिए, शाइनी रखने के लिए ये शैम्पू बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं अगले हेयर केयर के प्रोडक्ट के बारे में। देखो, वो मैंने कैसे परचेज किया है कि जब मेरे को ना किसी कभी मैंने लॉरियल का एक बार हेयर दूसरा मास्क खरीदा हुआ था, तब मुझे ना ये छोटा सा इसका बॉटल फ्री आया था। ये सोचा चलो ट्राई करते हैं, इट्स रियली गुड आई मस्ट टेल यू। मैंने फिर क्या किया, इसका बड़ा वाला टब परचेज कर लिया यार। मतलब मुझे पर्सनली इसके रिजल्ट्स बहुत पसंद आए। मैं जल्दी से ना हेयर केयर रूटीन में ना चीज़ें चेंज नहीं करती, क्योंकि मुझको लगता है एक चीज़ जो मुझे सूट कर रही है मैं क्यों उसको बिगाड़ूं, तो मैं जल्दी से नहीं चेंज करती। बट आई हैव ट्राइड दिस, मुझे बहुत पसंद आया, दैट्स आई हैव परचेज दिस। अगर आप सीरियसली कोई एक अच्छा हेयर मास्क देख रहे हो जो प्री हेयर वॉश आप लगा सकते हो, तो आप डेफिनेटली ये हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। ओके, सो अगला जो प्रोडक्ट है वो इसी का है, लॉरियल प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल। ओ माय गॉड, इसके रिव्यूज वर लाइक इनसेन, गजब का प्रोडक्ट है। मतलब क्योंकि ये ना लीव इन कंडीशनर है एक्चुअली, तो इसको क्या है कि आप हेयर वॉश करने के बाद, अपना कंडीशनर वगैरह करने के बाद, टाल ड्राई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको लगा के एज इट इज छोड़ सकते हो। ये आपके हेयर को ना मैनेजेबल बनाता है थोड़ा सा, अगर आपको फ्रीजीनेस आ जाती है वो इससे नहीं होता है, ठीक है। हेयर केयर में एक और प्रोडक्ट है जो मैंने खरीदा है, वो है ये कामा आयुर्वेदा। ओ माय गॉड, आई लव दिस ब्रांड, आई लव एवरी प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसका क्या है, ये ब्रिंगादी तैलम है, ये हेयर ऑयल है। मेरे को इसका हेयर ऑयल बहुत सूट करता है। इसमें लाइक और जितने भी नेसेसरी एक्सट्रैक्ट जो आपको एक अच्छे नरिशिंग हेयर ऑयल में चाहिए होते हैं वो सब हैं। इसका लाइक रिजल्ट इज सो गुड, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। सीरियसली सिर्फ हेयर ऑयल चंपी कर लो ना आप और हेयर वॉश कर लो, आपको बिल्कुल, आपने ऐसे हेयर मास्क लगाया वैसे स्मूथ हेयर आपको मिलेंगे। तो ये हेयर ऑयल की बहुत बड़ी खासियत है। मैं इसको लाइक वीक में एक बार ही यूज़ करती हूँ और एक बार मैं मास्क लगाती हूँ, तो आई डू ऑल्टरनेटिवली दीज थिंग्स। सो दिस प्रोडक्ट इज अ मस्ट हैव। लास्ट चीज़ हेयर के, मैंने जो प्रोडक्ट एक और ख़रीदा है हेयर केयर सीरीज में, वो है ये। ओके, दिस वन, दिस इज स्कैल्पी द स्कैल्प थेरेपिस्ट इन द शेड रोज पिंक। एंड देखो जो मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक आप समझ तो गए होंगे कि वो है ये। ये है एक स्कैल्प मसाजर, या फिर कह लो कि शैम्पू जब आप करते हो तभी भी आप बिल्डअप को अगर क्लीन करना चाहते हो तो इसको आप जेंटली अपने ऐसे रब कर सकते हो। इसके मल्टीपल यूज़ है, पहला तो अगर आप हेयर वॉश करो तभी यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप हेयर ऑयल करने के बाद, चंपी करने के बाद जस्ट ऐसा हल्का हल्का ये। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है क्योंकि यू आर डूइंग दिस, तो उसके लिए भी अच्छा और अच्छे से पेनिट्रेट होता है ऑयल जो आप लगाते हो। तो मुझे चाहिए था, एंड एक्चुअली मेरे पास नायका वाला है, बट नायका से भी सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स। सो आई मस्ट टेल यू, दिस इज़ लाइक आई लव इट। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगता है वो ये है, इसको पकड़ना, बिकॉज नायका वाले में आई हैव दैट सर्कल, आई हैव टू
लाइक डू लाइक दिस ओके. पकड़ना तो कभी कभी हाथ गीले होते हैं तो स्लिप कर जाता है राइट. बट इसमें क्या आप ऐसे एकदम फिक्स कर लो उंगलियों के बीच में एंड देन इससे पकड़ मजबूत होती है. तो क्या होता है वही जो सेम काम करने में आपको आसानी होती है. आई लव दिस प्रोडक्ट. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में. स्किन केयर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में, फेस वॉश. डर्मा को 1% सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश. लव दिस फेस वॉश सीरियसली. मतलब मैं बताऊँ मेरे को प्लम बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ ब्रांड एंड धीरे धीरे मैं डर्मा को की भी फैन होती जा रही हूँ. सीरियसली मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं और फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर मिक्स एंड मैच नहीं करती हूँ. मैं एक्टिव्स अपने स्किन केयर में थोड़े से कम रखने की कोशिश करती हूँ. बट फिर भी मुझे लगा कि यार सैलिसिलिक एसिड जैसे क्या होता है, जब आपका पीरियड्स का टाइम आने वाला होता है तो आपके पिंपल्स एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर उस टाइम पर आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हो तो वो एक्ने वर्स नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे करके उनका जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल डाउन हो जाता है. That's why I have purchased this. So the entire vitamin C range of Plum has suited me a lot. मतलब पहली बार लाइफ में मुझे विटामिन सी सूट किया है, वो भी सिर्फ एक ब्रांड का. मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के ट्राई किए हैं, वो मुझे सूट नहीं किए बट ये मुझे सूट किया. सो आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई बिकॉज इट्स अ फोमिंग फेस वॉश. एज अ फोमिंग टेक्सचर यू कैन सी एंड इट्स सो लाइट वेट. द फ्रेगरेंस इज वेरी माइल्ड फ्रेगरेंस, नॉट अ हैवी फ्रेगरेंस. ओके सो तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो कॉसारिक्स का AHA BHA क्लेरिफाइंग ट्रीटमेंट टोनर है. एक्चुअली मैंने इसका एक प्रोडक्ट है जो पहले यूज़ किया था एंड वो मेरा होली ग्रेल है बिकॉज इट हैज़ सूटेड मी अलॉट एंड वो है उनका एडवांस नेल 96 पावर एसेंस. दिस वन ओ माई गॉड सी कितना सारा मैंने यूज़ कर लिया इस प्रोडक्ट को एंड इट हैज़ लास्टेड मी लाइक फॉर more than a year but I must tell you oh my god soft plump skin. अगर आप चाहते हो तो आप ये product को अपने skin care में ज़रूर use करो. I love this product particularly and इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनका AHA BHA टोनर यूज़ करूँ बिकॉज मेरे को ना थोड़ा सा पोर्स और थोड़ा सा मेरी स्किन में टेक्स्चर है. सो आई वॉज थिंकिंग टू इंक्लूड AHA BHA इन माई स्किन केयर. छोटा सा प्रोडक्ट और जो मैंने स्किन केयर में परचेज किया है वो है माउंटेनियर का एक्ने पिंपल पैच. ये एक्चुअली मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है. आई रियली लाइक द रिजल्ट्स. मैंने आज तक 3 ब्रांड्स के पिंपल पैच यूज़ किए, एक अर्बन योग का, एक नायका का और तीसरा ये. आई लव ऑल द 3 एंड प्राइस देखो इनका थोड़ा कंपिटिटिव है. सबसे सस्ता तो एनीवेज नायका का है बट मुझे जो वर्सेटैलिटी मिलती है वो अर्बन योग वाले में मिलती है क्योंकि इसमें छोटे वाले भी हैं बड़े वाले भी हैं. इसका भी मुझे एक्ने पिंपल पैच बहुत अच्छा लगता है, बहुत इफेक्टिव है. बात कर लेते हैं मेकअप रिकमेंडेशंस के बारे में. लिपस्टिक्स और एक फाउंडेशन और एक कंसीलर. के ब्यूटी के फाउंडेशन की मैं डाई हार्ट फैन हूँ. मतलब आई लव द ब्रांड. उन्होंने इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए हैं. सीरियसली आई मस्ट टेल यू कि इंडियन स्किन टोन पे तो यार इनके फाउंडेशंस आर फ्लॉलेस सीरियसली. तो मेरे को इसका जो 120 लाइट है ये मेरा शेड है, परफेक्ट शेड है. सेम मैंने इसका कंसीलर भी पहले यूज़ किया हुआ है एंड दिस इज इन द शेड 130p मीडियम. ये चीज़ इनके प्रोडक्ट्स की लगती है यार. ये लोग ना ग्लास बॉटल्स यूज़ करते हैं तो ये देख रहे हो थोड़ा सा मैंने लाइट लिया है मेरे स्किन टोन से, एक शेड लाइटर एंड बहुत अच्छा है इसका स्किन पे. रियली ग्रेट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज लिपस्टिक. टॉकिंग अबाउट शार्लेट टर्लबरी, दिस वन इज देयर मैट रेवोल्यूशन लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. ओह माय गॉड शिट, जितनी फेमस ये लिपस्टिक है उतनी वर्थ ये लिपस्टिक है एक्चुअली. इनका जो पहला वाला शेड आया था पिलो टॉक, देयर आर 2 शेड्स इन पिलो टॉक. वन इज पिलो टॉक देयर नॉर्मल एंड द अदर वन इज पिलो टॉक मीडियम. मैंने परचेज किया है मीडियम ओनली बिकॉज मेरा मीडियम टू फेयर स्किन टोन है एंड दैट कलर इज ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा. अगर आप बहुत फेयर स्किन टोन के हो तो आप पिलो टॉक ले सकते हो बट इफ़ यू आर लाइक मी मीडियम टू फेयर स्किन टोन देन आई विल टेल यू दिस मीडियम वन इज गोइंग टू सूट यू बेट. ओके शेड ओह इट्स ब्यूटिफुल शेड एंड आई विल टेल यू मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पे न्यूड शेड सूट नहीं करेंगे बट इवेंचुअली आफ्टर आई हैव बॉट दिस I have start purchasing the shade near to this. I love the formula and it's actually lasting. आप सोचो क्रीमी मैट होने के बावजूद ये लिपस्टिक लास्टिंग है.
वो भी मेरे जैसे इंसान जो बोल रहा है जो लिपस्टिक खा लेता है उस पर भी लास्टिंग थी. सो इट्स अ लास्टिंग लिपस्टिक. इसका प्राइस था आई थिंक 31,500, 3100 की लिपस्टिक है बट मुझे 2500 में मिली है ये लिपस्टिक. ये वन इज़ बॉबी ब्राउन क्रश लिप लिक्विड लिप एंड द अदर वन इज क्रश लिप कलर. दिस वन इज़ इन द लिपस्टिक फॉर्म एंड दिस वन इज़ इन द ग्लॉस फॉर्म. तो ये पहला वाला जो मैं बता रही हूँ ये है इन द शेड क्रश लिप टेल्यूराइट. ओके तो दिस वन इज़ द शेड एंड आई विल शो यू. दिस इज़ द शेड इफ़ यू कैन सी. बहुत ही प्यारा शेड है. दूसरा जो मैं लिप क्रश लिप लिक्विड लिप के बारे में बात कर रही हूँ ये है इन द शेड स्मूदी मून. इट्स अ रियली नाइस पिंकिश शेड इफ यू कैन सी. एवरी डे यूज़ के लिए दे आर परफेक्ट 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 शेड्स. एंड मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि मैं इन लिपस्टिक्स को सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि आई यूज़ दीज इन जिम्स एंड लाइक नॉर्मली जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं है जस्ट आई हैव टू गो टॉक एंड एवरीथिंग. तो जब ट्रांसफ़र ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब करनी लाइक ड्रिंक इन समथिंग और डूइंग समथिंग लाइक विच इंक्लूड्स योर लिप्स अलॉट तो फिर ये लिपस्टिक को आपको टचअप करना पड़ेगा. अदरवाइज दीज हैव एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर्म. मैंने कुछ एक्सेसरीज छोटी छोटी सी परचेज की हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं बट दे आर क्वाइट यूजफुल. जिसमें से पहली है ये है वेगा की पोर्टेबल कोम. सीरियसली इतनी छोटी है आपके सबसे छोटे पर्स में भी आ जाएगी एंड दिस इज सो गुड. एंड दूसरी चीज ये है पैक का पॉकेट पफ. परचेज दिस मीडियम साइज. यार ये जो आजकल अपन कॉम्पैक्ट यूज करते हैं लाइक पाउडर लूज पाउडर उसको यूज करने के लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज इसका जो पॉइंटेड है ये आप अपने आई के बिल्कुल करीब तक ले जा सकते हो जस्ट टू केक इट. तो वो बहुत एक अच्छी चीज है. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं. तो अभी गिव अवे के प्रोडक्ट्स जो हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. रूल्स मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको समझा दिए थे. दे आर वेरी सिंपल. फिर से बता देती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टा हैंडल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है एंड यहाँ पे मुझे आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो मैंने इंटायर पूरे वीडियो में दिखाया है जो आपने यूज़ किया है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच आई हैव परचेज फ्रॉम नायका हॉल. सो यस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना एंड येस एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.